देख रहे हैं आजाद सिपाही। कि सरकार मतलब पब्लिक होता है, सरकार मतलब वीडियो दरोगा और थानेदार नहीं होता है, शायद यही मान्यता है। वोट बांटते समय हम लोग सोचते हैं कि ये बारे हमारा सरकार बनाबो, तो सरकार कार्य बनबे तो कोनो एकटा मानुष जोंटा हमदर नेता होबे गुवार सरकार बनबे हमरा एटा भाबे वोट करी कि ये बारे यही नेताटा वही नेताटा। हमरा तो नेता बदलेते आज कि नेता बदलते रहा है लेकिन गांव का हालत नहीं बदला है। कि कितना बार कौन प्रधानमंत्री होंगे, कौन मुख्यमंत्री होंगे, विधायक कौन होंगे, सुदेश महतो आज वोट की बात भी करने नहीं आया। चूंकि ये बड़ा एक विचित्र स्थिति होगा कि राजनेता पहुंचे और वोट का चर्चा नहीं हो। मैं वोट का चर्चा करने नहीं आया हूं, मैं आपके बीच इसलिए आया हूं कि इस प्लेटफॉर्म में जिस जहां बैठकर ये हजारों लोगों का जनमत का क्या राय है, ये क्या सोचता है, ये शासन के बारे में इनका राय क्या बनता है, ये सरकार के बारे में जिस सरकार का निर्माण गांववाला मिलकर करता है उस सरकार से उसका रिश्ता कैसा है, ये रिश्ता को जानने के लिए आए हैं। और सरकार जो रांची में बैठकर या सरकारी मुलाजिम जो खुद को सरकार बनाकर ऊंचाई ब्लॉक का मुख्यालय में है, JMM के गढ़ में आजसू की स्वाभिमान यात्रा, जनता ही है असली सरकार। सुदेश, जनता बन गई है याचक, सरकार के नेतृत्वकर्ता बन बैठे हैं दाता। आजसू का स्वराज स्वाभिमान यात्रा का दूसरा चरण, सुदेश ने ग्रामीणों संग लगाई चौपाल, जाना सरकारी योजनाओं का हाल। आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है, मैं हूं राकेश सिंह। खबर विशेष में आज हम बात कर रहे हैं आजसू प्रमुख सुदेश महतो की स्वराज स्वाभिमान यात्रा के दूसरे चरण की। सुदेश ने इस यात्रा के तहत शनिवार को सरायकेला खरसावां जिले के कुचाई प्रखंड की दर्जन भर गांव में चौपाल लगाई। चौपाल के माध्यम से उन्होंने ग्रामीणों खासकर महिलाओं से सरकारी योजनाओं पर संवाद किया। राजनीति के इतर सुदेश ने सिर्फ और सिर्फ ग्रामीणों के दर्द को सुना और उन्हें सरकार तक उनके दर्द को पहुंचाने का आश्वासन दिया। प्रस्तुत है ज्ञान रंजन की रिपोर्ट। पूर्व उप मुख्यमंत्री और आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने शनिवार को खरसावां शहीद स्थल से स्वराज स्वाभिमान यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत की। खरसावां शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद जिलिंगदा में सबसे पहले चौपाल लगाई। चौपाल में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे, खासकर महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा देखी गई। सुदेश ने ग्रामीणों से सीधे तौर पर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी हासिल की। वो एक एक कर महिलाओं से बात कर रहे थे और उनकी समस्या को जान रहे थे। इतना ही नहीं, जो समस्या उनके पास आ रही थी उसे बजाबता वो अपने लोगों से नोट करा रहे थे। जितने भी लोगों से सुदेश ने बात की सभी का मोबाइल नंबर लिया, उसे अपना मोबाइल नंबर दिया और सीधे संवाद करने को कहा। ग्रामीणों से बात करते हुए सुदेश ने कहा कि लोकतंत्र में जनता ही असली सरकार है, लेकिन दुर्भाग्य है कि जनता याचक बन गई है और सरकार के नेतृत्वकर्ता दाता बन बैठे हैं। कहा कि गांव से स्वराज स्वाभिमान पद यात्रा की शुरुआत करना गांधी जी के कल्पना को यथावत लाने का प्रयास है। महात्मा गांधी एवं धरती आबा बिरसा मुंडा ने जिस स्वराज की कल्पना की थी उसे जनता के बीच आकर जानने का प्रयास कर रहे हैं। गांधी जी और भगवान बिरसा मुंडा का स्वराज भारतीय संविधान के पंचायत के अलग अलग स्वरूप में व्यवस्थित है। जनता का स्वाभिमान कहाँ है, सुरक्षित है कि नहीं, इसी का आकलन एवं राज्यवासियों के कल्पना एवं उनके स्वर को सुनने तथा टटोलने आए हैं। इस पद यात्रा के माध्यम से ग्रामवासियों से संवाद कर उनके आवाज को ऊंचा करने का प्रयास है। सुदेश ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा सर्वोपरि है, परंतु आज ग्राम स्वराज की कल्पना चौपाल के बजाय सचिवालय हो गई है। इससे स्वशासन प्रक्रिया दूषित एवं प्रभावित हो गई है। इस अभियान से इन प्रक्रियाओं का आकलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पद यात्रा को वोट की राजनीति से जोड़ना गलत है। उन्होंने कहा कि वो एक राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर आए हैं। संवाद का सिलसिला बड़े स्तर पर होता था, वो एक तरफा होता है,
बड़े स्तर के संवाद में सिर्फ ऊपर बैठे लोगों की बातें सुनी जाती है, लेकिन इस यात्रा के माध्यम से वो जनता के बीच उनके साथ बैठकर संवाद कर रहे हैं, जनता की बातों को सुन रहे हैं, समस्याओं को जान रहे हैं। 17 वर्षों में जनता की आवाज नीति बनाने वाले नेतृत्वकर्ता तक नहीं पहुंच पाई। इसका वजह था एक तरफा संवाद। सरकार में बैठे लोग अपनी तो कहते थे, लेकिन कभी भी जनता की पीड़ा को सुनने का काम नहीं किया। गरीब की आवाज धीरे होती है, इसलिए सरकार नहीं सुनती है। कहा कि गांव और ग्रामीणों से संवाद कर सरकार चलनी चाहिए। आजादी के 70 वर्षों में नेता बदले, लेकिन व्यवस्था नहीं बदली। कहा कि असली सरकार देखना है तो गांव में देखना होगा, चौपाल में बैठना होगा, जनता से संवाद करना होगा। दुर्भाग्य है कि डीसी, बीडीओ और दरोगा सरकार बन बैठे हैं। वो जनता की आवाज नहीं सुनते, जनता के बीच नहीं जाते। गरीब जनता जब सरकारी मुलाजिम के पास जाती है तो वो कहते हैं कि नेता बोलेगा। मतलब ये कि जनता की समस्याओं को ये अधिकारी सीधे सुनना तक नहीं चाहते। ये हमारा लोकतंत्र नहीं है। कहा कि ये सच है कि वो भी सरकार के एक अंग हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकार के कार्यों को आंख मूंदकर सही करार देते रहें। जनता की जो आवाज है उसे सरकार तक पहुंचाने के लिए आप लोगों के बीच आए हैं। हमारा मानना है कि लोकतंत्र में जो हकदार हैं उसे उसका हक मिलना चाहिए। सुदेश ने कहा कि सरकार रांची में कहती है कि सरकारी योजनाओं में बिचौलिए नहीं हैं, हमने बिचौलिए को समाप्त कर दिया है। यदि ये सच है तो सरकारी बाबू के पास अपनी समस्या ले जाने वाले से वे बाबू सीधे संवाद क्यों नहीं करते? ग्रामीणों को इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है, पीने का पानी नहीं है, शौचालय नहीं बना है, उज्ज्वला योजना का भी लाभ अभी तक इस गांव में नहीं मिला है, सड़क नहीं है, बिजली का अभाव है, वृद्धा पेंशन के लिए लोग भटक रहे हैं, सरकार के मुलाजिम दफ्तर में बैठे कुर्सी तोड़ रहे हैं, उन्हें जनता के दर्द से कोई सरोकार नहीं है। गांव के लोग डर से सरकारी बाबू के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाते हैं। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से जितनी भी सरकार आई उसने गरीबों और ग्रामीणों के कल्याण के लिए योजना बनाई, लेकिन सरकारी बाबुओं ने उस योजना का लाभ जनता को नहीं लेने दिया। वे दफ्तर से बाहर निकलकर जनता के दुख दर्द को सुनने का काम नहीं किया। कहा कि सरकार का मतलब डीसी, बीडीओ और दरोगा नहीं होता है, लेकिन यही लोकतंत्र में सरकार बन बैठा है। ऐसी व्यवस्था का सुदेश महतो खिलाफत करता है। राज्य में 52 लाख बच्चे गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, पारा शिक्षक के माध्यम से राज्य में शिक्षा का अलख चल रहा है, लेकिन इन पारा शिक्षकों को दैनिक मजदूर से भी कम मानदेय मिलता है। ये न्याय नहीं है। समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। अभी की जो शिक्षा व्यवस्था है उससे बच्चों का भविष्य नहीं बन सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसा शासन स्थापित करना है जिसमें सरकारी बाबू गांव-गांव घूमे, दफ्तर में कुर्सी नहीं तोड़े। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के माध्यम से वो 5000 गांव में पैदल यात्रा करेंगे, चौपाल लगाएंगे और जनता की समस्याओं को सुनेंगे। इसके बाद इन ग्रामीणों का एक सम्मेलन करेंगे और जो इन गांव के पंच फैसला लेंगे वही करेंगे। पद यात्रा के दौरान जलिंगदा, अरुआ, डोरो, सिरेंगदा, दामादेरी, चंपद सहित अन्य गांव की महिलाओं ने सड़क, पानी, शौचालय, जाति, आवासीय प्रमाण पत्र को ले हो रही परेशानी से उन्हें अवगत कराया। कुचाई में सुदेश ने पारा शिक्षकों, आंदोलनकारियों, बुद्धिजीवी वर्ग और जंगल बचाओ आंदोलनकारियों के साथ बैठक की। आइए नजर डालते हैं स्वराज स्वाभिमान यात्रा पर। सरकार मतलब पब्लिक होता है, सरकार मतलब वीडियो दरोगा और थानेदार नहीं होता है, शायद यही मान्यता है। वोट बांटते समय हम लोग सोचते हैं कि ये बारे हमरा सरकार बनाबो, तो सरकार कार्य बनबे तो कोनो एकटा मानुष जोंटा अंदर नेता होबे गुवार सरकार बनबे हमरा एटा भाबे वोट करी कि ये बारे यही नेताटा वही नेताटा। हमरा तो नेता बदलते आज कि नेता बदलते रहा है, लेकिन गांव का हालत नहीं बदला है कि कितना बार कौन प्रधानमंत्री होंगे, कौन मुख्यमंत्री होंगे, विधायक कौन होंगे। सुदेश महतो आज वोट की बात भी करने नहीं आया, चूंकि ये बड़ा एक विचित्र स्थिति होगा कि राजनेता पहुंचे और वोट का चर्चा नहीं हो,
मैं वोट का चर्चा करने नहीं आया हूँ। मैं आपके बीच इसलिए आया हूँ कि इस प्लेटफॉर्म में जिस जहाँ बैठकर ये हजारों लोगों का जनमत का क्या राय है, ये क्या सोचता है, ये शासन के बारे में इनका राय क्या बनता है, ये सरकार के बारे में जिस सरकार का निर्माण गांववाला मिलकर करता है उस सरकार से उसका रिश्ता कैसा है, ये रिश्ता को जानने के लिए आए हैं। और सरकार जो रांची में बैठकर या सरकारी मुलाजिम जो खुद को सरकार बनाकर कुचाई ब्लॉक का मुख्यालय में है, मैं अभी आ रहा था, एक दीदी स्वागत के लिए थी, हाथ में चोट था उसका, उसका उम्र 80 साल से कम नहीं होगा, वो आई, बाबू हमारा पेंशन नहीं मिल रहा है, ये पेंशन उसको नहीं मिल रहा है, और हमारा बाबू साहब जो है वो ब्लॉक के अंदर बैठा हुआ है, जिसको ढूंढ ढूंढ के काम करना है, वीडियो का काम गांव में जाकर सेवा देना है, पंचायत सेवक का काम गांव में जाकर सेवा देना है, कर्मचारी को ढूंढ के ऐसे लोगों को निकालना चिन्हित करना है। सरकार बोल रहा है ऑनलाइन कर दिए सबको पेंशन मिल रहा है, लेकिन असली सरकार देखना है तो गांव में बैठकर देखा जा सकता है कि असली हाल सरकार का क्या है। जैसे माँ गांव में भूखा रहने से माँ नस छूती है और बोलती है बेटा को भूखा रहे कि नहीं, माथा में हम लोग हाथ देते हैं तो पता करते हैं भूखा रहे कि नहीं, तो सरकार का असली हाथ जानने के लिए गांव के चौपाल में बैठना होगा, चौपाल बताएगा सरकार का हाल। ये हालत आज यहाँ से आपके सिमुख से यहाँ पर जाएगा, ये तैयारी करने के लिए हम आपके बीच में आए हैं। हम अपनी बात को फिर पूरा करेंगे, लेकिन इस बीच में गांव के जनरल चलने वाली योजनाएं और आप उसके बारे क्या सोचते हैं तोरा की भावो सेटार लिए एखन कथा करबो। हमें एक दीदी हमें जानते चाहिए कि केमन चलते 19 तारीख तोदर कथा तोदर गाँव समस्या आ तोदर वीडियो को वो घूरते आसे कि नहीं गाँव एटा बोले दाओ, ये पूछते आसे कि नहीं खाली चुनाव समय आसे की हो माने क्या स्थिति है गाँव का, थोड़ा आपको बताना होगा अपने घर से। चलो शुरू करो, लोहराटोला दीदी अभी बोल रहे थे ना, शुरू करो, बेहिचक बोलना यहाँ पर, यहाँ मत बोलना सुदेश भैया है, खाली इतने जानो यहाँ को। चलो बताइए ये जो यात्रा है क्या कुछ खास उद्देश्य है और किस तरह का फीडबैक मिल रहा है लोगों से मिलने पर? स्वराज स्वाभिमान यात्रा के दूसरे चरण में आज हम हरसवा के कुचाई प्रखंड के गांव में हैं और ये यात्रा महात्मा गांधी जी के भारत के के बारे में, उनके भारत के जनगण के बारे में या भारत के गाँव गणराज्य के बारे में कल्पना को आज 70 साल के बाद आज़ादी के बाद कहाँ पर है, गाँव का पंचायत और गांव के लोगों का, गांव के सभा का, ग्राम सभा का और गांव के लोगों के लोगों में सरकार और सरकार के मायने पर एक संवाद स्थापित करने के लिए ये कार्यक्रम हम स्थापित किया है। पूरे राज्य में 32,000 गाँव में से 5,000 गाँवों में जाना, गाँव में पदयात्रा करना और उनके साथ दो कदम चल के उनके वास्तविक हालात को आवाज़ देना, उसके आवाज़ को, उसके विषय को एक स्तर देने की तैयारी हमारी है, क्योंकि हम ये महसूस करते हैं कि जो सचिवालय में या फिर डीसी के मुख्यालय में या प्रखंड मुख्यालय में सरकार की जो केंद्र से या राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं आज ने जितनी सरकारें आई सभी ने एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं का शुभारम्भ किया, उन कल्याणकारी योजनाओं का गाँव के चौपाल तक आते आते क्या हर्ष होता है, इसके वास्तविक स्वरूप को देखने और उसका मूल्यांकन करने और उस विषय में लोगों की जनमान्यता क्या है इसको जानने के लिए हम यहाँ पर। कैसी स्थिति दिख रही है इसके प्रत्यक्ष रूप से, शायद मेरे साथ प्रत्यक्ष रूप से आप आए हैं और जनगण जिस रूप से आकर छोटी छोटी समस्याओं पर न्याय की गुहार लगा रहे हैं और न्याय का नेतृत्व करने वाले जो सरकार के मुलाजिम हैं वो कहीं ना कहीं इनके सिर जुबान से आपने सुना कि मालिक का स्वरूप आ गया है, जनता याचक बन गई है और जो लोग जिनका नेतृत्व सरकार का करना है वो दाता बनकर रहे हैं और एक केवल प्रखंड मुख्यालय के चौराहे के अंदर से बाहर उसकी तस्वीर न आई और कभी संघर्ष करते हुए किसी प्रखंड विकास पदाधिकारी को या किसी सरकारी पदाधिकारी को आपने देखा ना होगा। ये निश्चित रूप से इनको भरोसा होना है, गांव के अंदर भरोसा आना है और गांव को जिन विषयों के बारे वो चिंता कर रहे हैं, जिन विषयों को सुलभ व्यवस्था इन तक होनी चाहिए, जो स्कूल के बारे में जैसे आपने देखा कि टीचर का अभाव है, इंदिरा आवास का पोजीशन क्या है, शौचालय का व्यवस्था क्या है, सरकार की जितनी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, चाहे फिर वो हमारा मुफ्त सरकार की बड़ी घोषणा जो हमारी है, गैस वितरण का जो मामला है, ये गाँव में आपके बारे में या गवर्नमेंट के बारे में मान्यता कैसे अच्छी हो सकती है जब तक ये चीज़ें इन तक सहज रूप से ना आ पाए। और ये मान्यताओं पर बल देने के लिए, इनको खुद पे विश्वास दिलाने के लिए और सरकार वास्तव में अगर पब्लिक है, इस लोकतंत्र का आधार इसी रूप से खींचा गया है तो इसका बोध कराना भी बहुत जरूरी है और ये एक पटल तैयार कर रहे हैं, एक मंच तैयार कर रहे हैं जहाँ से लोग अपनी बातों को बेहिचक कह सकते हैं और इसको न्याय मिल सकता है।
आजाद सिपाही के खबर विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही, और आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बगल में जो घंटी है उसे आप जरूर से प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं उसकी सूचना आप तक खुद ब खुद पहुंच जाए। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।